के आधार पर नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। अमित शाह के वार पर संजय राउत का पलटवार, कहा महाराष्ट्र में दंगे जैसे हालात। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 10 जून को महाराष्ट्र नांदेड़ का दौरा किया और एक सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने उनके भाषण पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान कम और उद्धव ठाकरे की आलोचना का कार्यक्रम लग रहा था। उन्होंने कहा अमित शाह को देश के कानून व्यवस्था पर बात करना चाहिए। महाराष्ट्र में दंगे के हालात हैं, इस पर अमित शाह को बोलना चाहिए। जात और धर्म पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। राज्य की जनता को ठाकरे परिवार पर भरोसा है। शिवसेना को बीजेपी ने धोखा दिया था, ये डर अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, नांदेड़ में गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुनिए, ये अजीब है। मेरा एक सवाल है, क्या ये बीजेपी का महासंपर्क अभियान था या शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना के लिए विशेष आयोजन? अमित भाई के 20 मिनट के भाषण में उद्धव जी पर 7 मिनट यानी मातोश्री का खौफ अभी भी बरकरार है। संजय राउत ने कहा, शिवसेना टूट गई, नाम और धनुष्बाण ने देशद्रोही जमात को झूठा साबित कर दिया। हालांकि मन में ठाकरे और शिवसेना का डर बना हुआ है, ये डर अच्छा है। बीजेपी को उद्धव ठाकरे से पूछे गए सवाल पर विचार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बनाए जाल में खुद को फंसा लिया, इतना घबरा गए हैं। अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए कहा था, उद्धव जी हमने ट्रिपल तलाक हटाया उससे आप सहमत हो या नहीं, जो राम मंदिर बन रहा है उससे आप सहमत हो या नहीं, आप ये भी स्पष्ट कर दो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं। उन्होंने आगे कहा, आप बताएं मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में आपके सहयोगी वीर सावरकर को इतिहास की पुस्तकों से हटाना चाहते हैं, क्या आप उससे सहमत हो? उद्धव जी आप दो नाव पर पैर नहीं रख सकते, इन सभी बिंदुओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, आपकी पोल खुद खुल जाएगी। आप बताइए क्या है? क्या चार सवाल है? देखिए अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। सबसे पहले अमित शाह जी ने देश की जो कानून लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, इतने बड़े लोह पुरुष हैं ना, ये गुजरात के नेता है देश के, तो मणिपुर की हिंसा अब तक क्यों नहीं थमी? महाराष्ट्र के साथ और राज्यों में दंगों की स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में जवानों की हत्या क्यों हो रही है? इस बारे में आप अगर बात करें तो देश आपकी बात सुनेगा। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा, यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। चार सवाल जो अमित शाह जी ने पूछे हैं उसका चिंतन खुद भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। क्या सवाल है? 370 हमने समर्थन किया है, मुस्लिम आरक्षण हमारी भूमिका रही है, जात और धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। लेकिन आप लोग दे रहे हैं तो मैं, हमारी कोई बात नहीं है, हमने कहा था पहले से। अगर तीसरा मुद्दा है, क्या है तीसरा मुद्दा उनका देख लीजिए, सभी मुद्दे पर हमारी भूमिका हमने ली है, हम हमारी भूमिका कभी पर्दे के पीछे नहीं रखते। जो देश के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, उसमें शिवसेना हमेशा आगे रहेगी। अरे धोखा किसने दिया पूरा देश जानता है और महाराष्ट्र जानता है। ये महाराष्ट्र की जनता आपसे ज्यादा ठाकरे परिवार के ऊपर विश्वास रखती है, वो जो कहते उसके ऊपर विश्वास रखती है। अगर आपने धोखा नहीं दिया होता तो आज का जो मुख्यमंत्री है बेईमान, वो आप नहीं बिठाते। 2.5 साल पहले जब मौका था, हम अलायंस में थे, तो शिवसेना को आपने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। क्या कहा आपने? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो अब ये कौन सी नई बात आ गई? शिवसेना फोड़कर उसमें से एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ना, अभी किसने वचन तोड़ा? आज भी इस राज्य की जनता ठाकरे परिवार और उनके जो प्रमुख होते हैं उसके ऊपर विश्वास रखती है। चलिए थैंक यू। मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो उनकी सरकार बनी,
वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है, क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए, आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। उद्धव जी, शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था, उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार टूटी। दगा करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था, मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए थे।